हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ नीरज एंड यू आर वॉचिंग मैथ्स क्लासेस। हमारा टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.5। अभी तक हमने इस एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चंस कर लिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। What will be the side of the new cube? Also find the ratio between the surface areas. एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, उसको कट करके हम 8 क्यूब्स बना देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम जितना बड़ा क्यूब है उतना ही वॉल्यूम जो 8 क्यूब्स मिलके बने उनका वॉल्यूम सेम रहेगा। What will be the side of new cube? हमें फाइंड आउट करनी है कि नए क्यूब की साइड क्या है और उनके सरफेस एरियाज की रेशो। सो लेट स्टार्ट। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक बड़ा सा क्यूब है जिसकी साइड दी है हमें 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 12 सेंटीमीटर एंड हाइट भी 12 सेंटीमीटर। अब इसको कट करके कुछ इस तरह से कट करना है कि हमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं। ठीक है, और क्यूब्स की साइड हमें फाइंड आउट करनी है। ऐसे कितने क्यूब्स बनेंगे? 8 क्यूब्स बनेंगे। ओके, तो पहले हम निकाल लेते हैं इस बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम। सो बड़े क्यूब का वॉल्यूम साइड इनटू साइड इनटू साइड, साइड का क्यूब। सो 12 इनटू 12 इज 144 एंड 144 इनटू 12 इज 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इसकी साइड निकालनी है, सो हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसकी साइड कितनी मान लेते हैं, ए सेंटीमीटर। So we will just write that side of new cube's form is a centimeter. So नए क्यूब का वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम एक छोटे क्यूब की बात कर रहे हैं अभी। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट्स। नाउ अब ऐसे कितने क्यूब्स बन रहे हैं? 8। ये तो ए क्यूब का वॉल्यूम था, सो वॉल्यूम ऑफ 8 क्यूब्स कितना हो जाएगा? 8a क्यूब। ठीक है, अभी मैं साइड नहीं लगा रही हूँ, इसकी यूनिट नहीं लगा रही हूँ, इसकी यूनिट का यूज़ इसलिए नहीं कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, नाउ वॉल्यूम की बात है। सो जितना मटेरियल इस बड़े क्यूब में यूज़ हुआ उतना ही मटेरियल इन 8 क्यूब्स में यूज़ हुआ। सो वॉल्यूम ऑफ दिस बिग क्यूब इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 8 small cubes. So we will write volume of big cube will be equal to volume of 8 small cubes. यही होता है। तो बड़े क्यूब का वॉल्यूम हमने कितना फाइंड आउट कर लिया? इज 1728। और स्मॉल क्यूब का कितना है? 8a क्यूब, जो 8 क्यूब। ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। सो हम यहाँ से साइड निकाल सकते हैं। दिस इम्प्लाइज 8a क्यूब इज इक्वल टू 1728 एंड a क्यूब इज इक्वल टू 1728 डिवाइडेड बाई 8। अब क्यूब को ले जाएंगे दूसरी साइड तो ये बनेगा इसका क्यूब रूट। जैसे स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, वैसे ही क्यूब का क्यूब रूट निकालेंगे हम। ठीक है, नाउ क्यूब रूट फाइंड आउट कर लीजिए या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, और ये आपस में सॉल्व भी हो सकता है तो ये टर्म और स्मॉल हो जाएगी। सो 8 2s are 16, 8 1s are 8, तो ये आ जाएगा 216। और हमें पता है 216 का क्यूब रूट होता है 6। ठीक है, 6 6s are 36, 36s are 216 क्यूब रूट। सो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। सो दिस इज द साइड ऑफ ईच न्यू क्यूब फॉर्म्ड। ओके, नाउ व्हाट इज आस्क्ड इन द सेकंड पार्ट? आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन दी सरफेस एरियाज। वॉल्यूम से पहले हमने टॉपिक किया था सरफेस एरिया। जो बड़ा क्यूब है और स्मॉल क्यूब है उनका सरफेस एरिया भी निकालना है और उसकी रेशियो भी।
ठीक है. सो वी विल राइट रेशो, किसकी आएगी, सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब. हमारे पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर. सो 6 इंटू बड़े क्यूब की साइड क्या है 12, साइड का स्क्वायर अपॉन 6 इंटू स्मॉल क्यूब की साइड क्या है 6, साइड का स्क्वायर. अब जो सॉल्व हो सकता है वो आप कर लीजिए, ठीक है. ये आ गया 4/1, दैट इज रेशियो इज 4:1. This is the solution of the question number 8. Now in the next question, a river is 3 meter deep, 40 meter wide, is flowing at the rate of 2 km per hour. How much water will fall into the sea in a minute? एक मिनट में कितना वाटर फॉल करेगा, ठीक है. हमें दी है स्पीड, फ्लोइंग एट द रेट, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज अ स्पीड ऑफ द वाटर. तो वी विल राइट रेट ऑफ फ्लो इज 2 km/h. नाउ हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है इन मिनट, ये किलोमीटर में है, और पर आर, तो आर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में. साथ ही यहाँ पे किलोमीटर है और इसकी यूनिट्स है मीटर में, तो किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में. सो ये हो जाएगा 2000 meters. और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, दैट इज़ 60 मिनट. हमसे ये आंसर मिनट में पूछा, इसलिए हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे. ओके, ये आ गया आपके पास 2 3s are 6, 2 1s are 2, दिस इज़ 100/3 m/min. नाउ हमें दी है डेप्थ ऑफ द रिवर इज 3 meters एंड विड्थ ऑफ द रिवर इज 40 meters. अब रिवर को हमें यहाँ पे क्यूबॉइड की शेप में कंसिडर करना है, जिसकी डेप्थ दी है आपको, ठीक है, विड्थ दी है, और लेंथ कहाँ से आएगी, लेंथ आएगी ये स्पीड से आ जाएगी आपकी लेंथ मीटर में, ठीक है. अब आंसर हमसे मिनट पर मिनट में पूछा है, तो हम क्या करेंगे, वाटर विल फॉल इन टू सी पर मिनट विल बी, जो इसकी जो इसका रेट है पर मिनट में, इसकी लेंथ हो गई, इसकी विड्थ है 40 meters, और इसकी डेप्थ जिसे हम क्यूबॉइड की केस में हाइट मानते हैं वो आ गई, ठीक है. तो ये क्या आ गया 400, और साथ में एक ज़ीरो और है, दैट विल 4000. अब ये मीटर में थी इसकी यूनिट, तो मीटर क्यूब, और ये पर मिनट के हिसाब से था, मीटर पर मिनट, इसकी यूनिट मीटर पर मिनट, इसकी मीटर, इसकी मीटर. सो मीटर 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 कितना हो गया, मीटर क्यूब और पर मिनट. सो दिस इज़ योर आंसर. I hope you enjoyed the session. Keep practicing more problems. Soon we will there with next problem and next topic. Thanks for watching. Milte hain next video.